जागरूकता मीडिया देखने वाले सारे बाण भाई राजू कुमार के राम राम साथी बड़े चरणा में। हाँ, और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो बाबा केदारनाथ जी हैं एक जरा आठ धुनों के अंदर कठोर तप कर रहे थे, और आज उनका जो तप का दिन था 41वां दिन वो पूरा हो चुका है। और यहाँ पर काफ़ी माताएं बहनें हमारी माता शक्ति भाई बहन आए हुए हैं। आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा मात्रा में भीड़ है, और हम आपको सैर कराते हैं यहाँ के जो दो धुने हैं उनकी साइड में। जो भाई देखिए किस तरह से मतलब ये धुने जो हैं तप रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा गर्मी यहाँ पर, इतना ज़्यादा तप हमको लग रहा है कि यहाँ पर हमारा मतलब चलना भी बहुत दूभर हो रहा है। और बाबा जी यहाँ पर बैठे हुए थे, मैं कैमरामैन से सुरेंद्र सिंह से कहूँगा कि इधर सभी जो धुने हैं वो दिखाए दर्शकों को। देखिए किस तरह से हमारी माताएं मातृ शक्ति जो है भाई हैं चाचा ताऊ हैं वो किस तरह से मतलब फेरी लगा रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा संख्या में यहाँ पर भीड़ आप देख सकते हैं, पर जहाँ पर बाबा केदारनाथ जी कठोर तप कर रहे थे आज उनका 41वां दिन पूरा हो चुका है। मैं कैमरामैन सुरेंद्र सिंह से कहूंगा कि एक बार ये जो जगह है जहाँ पर बाबा केदारनाथ जी बैठते थे वो दिखाए। देखो साथियों ये वो जगह है जहाँ पर बाबा केदारनाथ जी कंटिन्यू 11 से लेकर 2 बजे तक यानी कि 3 घंटे तक कठोर तप करते थे, जहाँ पर इंसान का कड़ी धूप में 10 से 15 मिनट खड़ा होना भी दूभर हो जाता था। वहाँ पर बाबा जी यहाँ पर क्या कड़ा तप कर रहे थे, और आज उनका तप पूरा होने के उपलक्ष्य में यहाँ पर विशाल भंडारे का आयोजन किया जा रहा है, जहाँ पर पूरे भारतवर्ष से लोग आए हुए हैं, हमारी मातृशक्ति आई हुई है। तो ये वो स्थान है, आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे साथी हमारी मातृशक्ति यहाँ पर आती है और अरदास लगाती है ताकि उनकी मनोकामना होल है यहाँ पर, जहाँ पर हमारी मातृशक्ति माताएँ बहनें चाची ताई जो भी हैं वो जागरण करती हैं, और हज़ारों की संख्या में यहाँ पर उपस्थित रहती है। पूरा दिन जागरण चलता है 3 या 4 बजे तक, और हम यहाँ पर बैठी हुई माताओं बहनों से बातें कराएंगे आपको कि उनकी क्या को श्रद्धा विश्वास है जो पूरा दिन यहाँ पर भक्ति और शक्ति में लीन रहती हैं। नमस्ते आंटी। हाँ भैया, कौन सा गांव जी आपका? हमारा गांव इंदिवाड़ी है जी। इंदिवाड़ी से? हाँ। तो क्या कुछ बाबा जी की श्रद्धा विश्वास है आपका? बाबा जी की जी बहुत 25 साल रही है, बढ़िया काम कर रहे हैं, बढ़िया मतलब काम कर रहे हैं, भंडारा ला रहे हैं, मालामाल हो रहा है सब। क्या तो आपको कोई तकलीफ थी क्या? हाँ जी तकलीफ थी। क्या दिक्कत थी? पैरों में दर्द था जी। अब क्या आराम है? आराम है जी, बाबा जी ने गाड़ा लगवाया है, फिर फेरी लगाते हैं यहाँ पर आते हैं, अच्छा आराम है। हाँ बिल्कुल आस्था है हमारे। अब पूरी तरह ठीक हो गए आप? पूरी तरह ठीक है, आस्था है हमारे अंदर बिल्कुल बाबा जी। तो कितना फेरी लगाया आपने? हमने 7 फेरी लगाई जी। 7 फेरी? हाँ। तो आप पूरा परिवार के साथ यहाँ पे आए हुए हो? यहाँ पर कुछ लोग और बैठे, उनसे बात करते, हमारी बहनें बैठी हुई हैं। राम राम बेबी, ठीक से हो? ठीक है। कुछ कहना बाबा जी के बारे में आपका, बताओ कुछ। बेबी भाई शर्मा रही है तो इन्हें एक ताई बैठी उन्हें तो बात करेंगे। राम राम ताई जी। राम राम बेटा, ठीक से हो? पोतका के यहाँ जी। पोता है हो? हाँ बाबा के लिए। हाँ बाबा के लिए आया जी, बाबा की देख लिया था, पालन भी आए थे उस दिन बैठा, आज फिर आ गए। कोई दिक्कत थी आपको? हाँ कोई दिक्कत थी आपको? ना बापा ने बुलाए। हाँ अच्छा बुलाए थे। हाँ बुलाए बापा ने, इसे काम किया मामे सुरैन गोती। हाँ सुरैन गोती है। क्या कुछ करना बाबा जी के बारे में आपका? हाँ आप देख सकते हैं किस तरह से हमारी मातृशक्ति माताएँ बहनें चाची ताई जागरण कर रही हैं हड़ताल के साथ में। हम उनसे पूछेंगे कि आखिर उनका क्या कुछ विचार है बाबा जी के बारे में। नमस्कार जी। नमस्ते जी। हाँ राम राम जी, ठीक हो? हाँ सब ठीक है। वहाँ पे डेली भजन कितने करते हो क्या? यहाँ पे डेली भजन, डेली आते हैं, डेली भजन करते हैं और नाचना गाना बाबा का करते हैं। क्या कुछ श्रद्धा आपकी बाबा जी के बारे में? बहुत सभी को मन में बहुत खुशी शांति हो रही है बाबा के बारे में। बाबा का देर ना थे, अच्छा काम कर रहा है। आराम होता है जी यहाँ पे? हाँ सभी को आराम होता है। बता नहीं बाबा जी दवाई वगैरह दे रहे हैं? दवाई देसी जड़ी बूटियाँ दे रहे हैं बाबा। तो आप जागरण ये कितना टाइम तक करते हो यहाँ पे? जागरण बाबा बैठते हैं 11 बजे बैठते हैं सुबह और 2 बजे उठते हैं। ठीक है धन्यवाद। ठीक है और कुछ हमारी माता बहन बैठी उनसे बात कराते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्कार, ठीक हो? हाँ बिल्कुल। कौन सा गांव जी आपका? थोड़ा साइड में। हाँ जी बुंगला से। बुंगला से? हाँ। क्या कुछ विचार है बाबा जी के बारे में आपके? अच्छा जी सब इसको जानकारी बहुत अच्छी दे रहे हैं सबको।
इसकी वजह से सब। आप जागरण में डेली आते हो यहाँ पे? हाँ डेली आते हैं जी। कितने घंटे चलता है? 11 बजे से 2 बजे तक रहते हैं जी। 3 घंटे? हाँ 3 घंटे। बता रहे हैं बाबा जी बीमारी ठीक करते हैं? हाँ बीमारी ठीक करते हैं। आपको कुछ आराम हुआ? कोई दिक्कत थी पहले? ना हमारे तो कोई दिक्कत होती वैसे ही आ जाते हैं। साथियों एक आंटी जी हैं उनसे बात करते हैं, क्या कुछ करना चाह रही हैं? नमस्ते आंटी। क्या जी? नमस्ते जी। कौन सा गांव जी आपका? तालू जी। क्या जी? तालू, तालू तनाना। तालू से पहुंचे हो आप? हाँ। तो क्या कुछ करने के लिए आए? हम ही बाबा जी के दर्शन करने के लिए। तो कोई तकलीफ है क्या? ना जी, वैसे आए थे। एक किस्म के भगवान है, इतनी तपस्या तो गोरखनाथ बाबा जी ने करी थी, नाथ ने यही ने करी है। बहुत ही लायक बाबा जी हैं, बहुत ही अच्छे बाबा जी हैं। क्या कुछ लगता है आपको यहाँ पे जो लोग फेरी लगाते हैं श्रद्धा से आते हैं उनको विश्वास आराम होता है क्या? हाँ हर एक चीज़ का आराम होता है, हर एक चीज़ के इनके बिल्कुल बढ़िया बढ़िया ख्याल हैं, बढ़िया कुछ सकर की दिखा। 8 महीने में इतना करके दिखा दिया जी, कोई 2 साल में 5 साल में नहीं करके दिखा सकता। ये पूरा है ना बिल्डिंग से 8 महीने में तैयार करी है जी। बहुत सहयोग है पूरे। हाँ पूरा वो आत्मा तक काम करें, बिल्कुल दूध भर की साफ आत्मा है, बिल्कुल लायक बाबा जी हैं। और खूब मतलब तपस्या मन आत्मा तक करें, मन आत्मा तक पब्लिक की सेवा करें। हाँ।